स्टार न्यूज युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। दौसा के लालसोट में कोरोना ने दी दस्तक। कोरोना से पीड़ित निजी लैब संचालक सनवासा ग्राम निवासी की कोरोना जांच आई पॉजिटिव। इसी को लेकर दौसा में कोरोना वायरस की संख्या में और इजाफा हो गया। लालसोट में कोरोना संक्रमित मिलने से पूरे उपखंड क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को सील कर पीड़ित के संपर्क में आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग का कार्य शुरू करवा दिया है। प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी जिले से लालसोट पहुंच रहे हैं। पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था शुरू करवा दी गई है। इस संबंध में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार ने बताया कि 3 दिन पहले हनुमान सैनी की कोरोना जांच भेजी गई थी, जिसमें ये कोरोना पॉजिटिव आया है। उन्होंने आगे बताया कि पॉजिटिव रिपोर्ट मिलते ही हनुमान सैनी को इलाज के लिए जयपुर भेज दिया गया है। आइए जानते हैं डॉक्टर धीरज कुमार ने और क्या कुछ कहा। अभी कलेक्टर साहब के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि कोई परसों हमने सैंपलिंग के लिए जिसको हनुमान को भिजवाया था उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हमने हनुमान को तुरंत दौसा रेफर कर दिया। इसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवा रहे हैं। कॉन्टैक्ट में जो भी पर्सन आए उनको सैंपलिंग के लिए दौसा भिजवा रहे हैं। बाकी के जो भी लोग इनडायरेक्ट में आए उनको क्वारंटाइन करवाएंगे और 3 किलोमीटर के एरिया में अभी सर्वे स्टार्ट करवा दिया, आसाम भिजवा दिया है और 7 किलोमीटर के एरिया तक हम सर्वे करवाएंगे। अगर कोई भी इस तरह का संदिग्ध मिलता है तो जो सैंपलिंग के लिए दौसा भिजवाएंगे। वहीं उपखंड अधिकारी ने बताया कि पूरी मंडावरा ढाणी के 3 किलोमीटर के एरिया को सील कर दिया गया है, जहां सभी लोगों के आने जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।